किस से किसकी डोरी जुड़ी हुई है एंड किस तरीके से आपस में ये डोरियाँ मतलब बोलते ना और पक्की होती जाएंगी। बस तेरी मेरी डोरियाँ जो हैं वो जुड़ने से पहले पहले उलझेंगी, तभी तो सुलझेंगी, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये उलझी हुई डोरियाँ सुलझाएं, ना कि उलझाएं। जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा तेरी मेरी डोरियाँ स्टार प्लस पर 7 बजे 4 जनवरी से। ओके, अगर आपकी बात करें तो किस तरह कैरेक्टर आप निभा रही हैं, कितनी चुलबुली है हमारी, यू नो। अब आपने कह दिया चुलबुली, ऐसा मत कहिए। नहीं, मैं इसमें आपको पता है कि एक ब्रार फैमिली है और एक मोंगा फैमिली है। ब्रार फैमिली तो बड़ी अमीर फैमिली है और उनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है, और यही एक ख्वाब लेकर संतोष कौर मोंगा, जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ, जो किरदार निभा रही हूँ, 3 बेटियों की माँ, 3 बेटियाँ सीरत, साहिबा और कीरत, इनकी माँ का रोल प्ले कर रही हूँ। और इतना स्ट्रॉन्ग है ये कैरेक्टर, शी इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स इन दिस पर्टिकुलर हाउस होल्ड, जो अपनी बेटियों को किसी भी तरह से वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें देना चाहता है जो वो इन बच्चों को नहीं दे पाई है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने की के लिए तैयार है। उसका रिलेशनशिप इन तीनों के साथ में भी ये है कि शी इज़ अ वेरी बॉसी वुमन, इतना बॉस करती है कि जो वो कहती है इस घर के अंदर होता है। पति को वो कुछ समझती नहीं है, इसलिए कि पति वैसे भी एक हारा हुआ इंसान है जिसने बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ बहुत हासिल नहीं किया, जिसकी वजह से, और जिसको वो हर वक्त ब्लेम करती रहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है कि मेरी बेटियाँ कहीं पहुँच नहीं पाई, मैं अपनी बेटियों को वो खुशियाँ नहीं दे पाई। तो बिल्कुल उसका एक ही मिशन है, मेरी बेटी की खुशियाँ, और जिसके लिए वो सबसे बड़ी बेटी जो है सीरत, बहुत सुंदर बेटी है, और उसको उसकी सुंदरता और उन सबको वो कहती है कि ये बहुत आसानी से अगर इसका ब्याह किसी बड़े घर में हो गया तो बाकी दोनों बेटियों की जिंदगियाँ जो हैं वो बन जाएंगी। इसी ख्वाब को लेकर वो चलती है और क्या कुछ नहीं करती है सीरत की शादी किसी बड़े घर में करने के लिए, और वहीं से शुरू होती हैं सारी प्रॉब्लम्स, सारी बातें, सारी ही वो जो मैंने कहा था उलझी हुई डोरियाँ। दूसरा जो उसका जो बेटी है वो साहिबा, वो ग्राउंडेड लड़की है, वो सुंदर लड़की है, लेकिन चूंकि वो आर्टिस्ट है और काम करती है तो उसका एक बहुत ही लेवल हेडेड लड़की है, वो जानती है ज़िंदगी की सच्चाई, और माँ का उसका रिश्ता ये है कि मैं इसको कुछ बोलूँ ना बोलूँ ये सारी बातें समझ जाएगी, तो उस पर ध्यान नहीं देती है ज़्यादा। और जो तीसरी बेटी है सबसे छोटी, जो आजकल की बच्चे हैं कि एक मिशन ढूंढ रहे हैं, एक ढूंढ रहे हैं कि क्या प्रोफेशन ढूंढें, और अतरंगी प्रोफेशन इसने ढूंढा है, जो कीरत जो सबसे छोटी बेटी है वो कुश्ती लड़ना चाहती है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन तीनों बेटियों के बीच में जो माँ है वो पिसती है। मैं बहुत कम काम करती हूँ टीवी पर, और जब भी करती हूँ तो ऐसा करती हूँ कि कुछ उसमें डिफरेंट होना चाहिए। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने पंजाबी कैरेक्टर स्टेज पर किया है, वेब सीरीज़ में किया है, लेकिन मैंने टीवी सीरियल में कभी नहीं किया है। मेरा एक पर्सोना बना हुआ था कि ये एक बड़ा टिपिकल सा कैरेक्टर है, ये मुश्किल होगा। ये मुश्किल मेरे लिए डेफिनेटली उस तरह से था कि जब हम जिस मतलब संतोष जिस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है उसमें एक जेन्युइननेस आना वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अक्कड़ भी है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ है इस औरत के साथ में, कॉमेडी भी करती है, नेगेटिव भी है, सब कुछ करती है, मैंने आपको बताया ना सब कुछ करेगी वो अपनी बेटियों के लिए, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज था। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों लड़कियाँ जो हैं इसकी, और हम जब सीन करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि सीरत के साथ इतने प्यार से बात करनी पड़ती है, साहिबा के साथ अरे समझ जाएगी बेटा तू, और जो तीसरी है जो ताड़ मारने तोड़ने वाला किस्सा शुरू हो जाता है, हर वक्त हर समय लड़ती रहती है उसके साथ में, तो एक सीन के अंदर इतना कुछ करना बड़ा मुश्किल। फिर आप जब पंजाबियत की बात करते हैं, देखिए हम एक्टर्स को कैरेक्टर्स को रियल बनाना ये हमारा फ़र्ज़ है,
टू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड तभी तो हम रिलेटेबल होते हैं. जब हम अपना दिल और यू नो अपना यू नो सोल लगा देंगे उसके अंदर, तभी तो वो दिल की बात आप तक पहुँच पाएगी. और वही मैंने कोशिश करी है करने की. मेरे लिए पंजाबी बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि देखिए हम अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, हमारी उस तरह से और सारी ही यू नो आजकल आप किसी भी भाषा को कहें तो हम एक सेंटेंस में यू नो दो तीन भाषाएं लगा ही लेते हैं. और अर्बन सेंटर्स में उस तरह का एक यू नो एक ठहराव एक छोटे टाउन की फीलिंग आती नहीं है. तो मेरे लिए ये केस स्टडी था और डेफिनेटली बहुत कुछ देखा बहुत कुछ समझा. और जो सबसे आसान बात मेरे लिए हुई वो ये हुई कि हमारी जो क्रिएटिव टीम है उन्होंने मेरे लिए मैं जितने भी डायलॉग्स थे मेरे उन्होंने जो डायलॉग राइटर हैं उन्होंने अपनी आवाज़ में मुझे रिकॉर्ड करके दिया. तो हमेशा सारे डायलॉग्स मेरे जो बिगनिंग में यू नो आते थे रिकॉर्ड होके, तो मैं उनको सीखती थी फिर उनको यू नो उसके बाद में फिर आकर हम परफॉर्म करते थे. तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा थी मेरे लिए. एंड क्रचेस तो ढूंढते रहते हैं, तो ये वन ऑफ द स्टेप्स टू कम क्लोज टू द कैरेक्टर. तो मेरे लिए वो थोड़ा सा आसान भी हो गया था. बहुत अच्छा लगा मुझे ये करके. एंड जितना मज़ा मुझे आ रहा है, बहुत कम एक्टर्स को एक रोल में इतना कुछ मिलता है करने के लिए. मुझे वो मिला है और इसे अच्छी तरह और सही तरह निभाना मेरा फ़र्ज़ है. उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा. आप लुधियाना की बात कर रहे हैं, हाय मत पूछिए. सबसे पहले तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बम्बई में वैसा मौसम ही नहीं है. हमें ये लग रहा था कि थोड़ा सा यू नो उठा के ले आए यहाँ पर. इतना अच्छा, इतनी धुंध, इतना. और मेरा जो सबसे पहला जो मेरा इंट्रोडक्शन है वही है यू नो कि वो दूध लेने की लाइन में खड़ी हुई है. एंड उसके लिए हमें तबेला जाना पड़ा. तो वो तबेला जो था वो लुधियाना सिटी से काफ़ी अंदर, हमें 2-2.5 घंटे का यू नो वो लोकेशन थी. तो रास्ते का बहुत मज़ा आया. और फिलौर एक जगह है, वहाँ हमें जाना पड़ा था. और रात में शूटिंग थी, तो आप सोच सकते हैं कि रात की शूटिंग कैसी होती है. क्योंकि हमें सुबह तड़का दिखाना था कि यू नो सुबह 4 बजे वो अपने वो डोले में दूध लेने गई है. तो वैसा वो इंट्रोडक्शन है, नाइटी पहनी हुई. और उसके बाद पूरा वो सीक्वेंस बढ़ के आता है. तो हम चूंकि चाह रहे थे कि ये लुधियाना की कहानी है, हम लुधियाना को जितना कैप्चर कर सकें, तो लुधियाना का एक फेमस बाज़ार है वहाँ पर जो घंटा घर है, वहाँ पर हमने उन स्ट्रीट्स पर यू नो शूटिंग की. और हमारे डायरेक्टर वॉज वेरी पर्टिकुलर कि वो जो एक रियल फीलिंग आती है ना कि वो पेपर वाले पेपर बिछा रहे हैं, यू नो दूध वाले दूध उठा रहे हैं, और यू नो उस तरह से यू नो हाथ गाड़ियाँ चलना शुरू हो रही हैं और फिर एकदम से लोग बढ़ जाते हैं. तो वो सारा माहौल बहुत अच्छा लगा करके. हम एक्टर्स को तो डेफिनेटली मतलब हम तो लगे रहे, हमें 2 घंटे का ब्रेक मिला बीच में, लेकिन वी वर वेरी हैप्पी बिकॉज शूटिंग मेरी 4 बजे ख़त्म हो गई और उसके बाद में फिर मुझे शॉपिंग करने का भी समय मिला. अब मैंने शॉपिंग की, काफ़ी सारी की. वुलन्स चल रहे थे भाई, तो वुलन्स खरीदे बहुत सारे, खुद से खरीदे जूतियाँ. वेल जी, मैं संतोष कौर मूंगा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जी 4 जनवरी को शाम को 7 बजे मेरे साथ मीटिंग शीटिंग कर लीजिएगा, इसलिए कि हम सब आपके लिए तेरी मेरी डोरियाँ लेकर आ रहे हैं. सुंदर सीरियल है, तो आपकी और हमारी डोरियाँ जुड़ना बहुत ज़रूरी है. सी यू एट 7 o'clock.